हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी न्यू मेरिट लिस्ट रिलीज। सो चलिए गाइस देख लेते हैं। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट जो सीटें हैं वो बहुत सारे कोर्सेज के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। सारी की सारी जो सीटें हैं वो भर चुकी है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कैंपसेस की जो है वेटिंग लिस्ट भी रिलीज की गई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट पे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली जो फाइनल लिस्ट आई है वो आई है 23 अक्टूबर को। ड्यू टू दिवाली फेस्टिवल आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। और 27 तारीख तक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल हॉलीडेज ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं। सो फाइनली ये देख सकते हो फाइनली वेटिंग लिस्ट फॉर BA फर्स्ट सेमेस्टर SRT टेहरी कैंपस के लिए है। द कम्प्लीट एप्लीकेंट्स वो नेम हैव अपीयर्ड इन द फाइनल वेटिंग लिस्ट डिपॉजिट देयर फीस टिल 30 अक्टूबर तक अपनी जो है सम्राट पोर्टल पे फीस पे कर सकते हैं। एंड द अपियरिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग 2 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक। ओके सो गाइस दिस इज दिस टाइप ऑफ दिस कैंडिडेट्स, ये जो लिस्ट है। उसके बाद कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी लिस्टें आई हैं। हालांकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी लिस्टें रिलीज की गई है 23 अक्टूबर को। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो BTEC लेटरल एंट्री के लिए लास्ट 5th मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। हालांकि यहाँ पे जो है ओपन मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, आ सकती है, या फिर स्पॉट मेरिट लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। तो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं, आपका एडमिशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं यार। इस जो मोमेंट है अभी जो आने वाला टाइम है स्पेशली, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है इसके लिए भी लिस्टें ऑलरेडी आ चुकी हैं। हालांकि यार आपके लिए COET UG के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे जो है जिस दिन कॉलेजों के अंदर ओपन काउंसलिंग कंडक्ट होती है वहाँ की अपडेट आपको डाली जाती है। तो सारे के सारे बच्चे ज़रूर से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग कुछ अपडेट नहीं है कि भैया हमको एडमिशन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, तो वो जो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द CUET एडमिशन प्रोसेस। या फिर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्लान में भी इनरोल कर सकते हैं जहाँ पर हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन, ठीक है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर BCOM वाले बच्चों के लिए भी आ चुकी है। यार बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं स्पेशली BPharma वगैरह जहाँ पे जो है सीटें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, भर चुकी है बहुत सारी सीटें। तो यार आप लोगों का अगर एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप टिल लास्ट राउंड तक वेट कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट जो सीटें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, भर चुकी है। तो अब आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, अब आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों को टारगेट कर सकते हो, साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की जो ओपन काउंसलिंग होती है उनको जो है आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि आपको जो स्पेशल नोटिस रिलीज किया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन BA BSc BCOM फर्स्ट सेमेस्टर। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे यार जो कि एलिजिबल नहीं थे रिगार्डिंग द एडमिशन के लिए, तो उनके लिए जो है 26 तारीख तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नोटिस रिलीज किया गया रिगार्डिंग द ऑल द स्टूडेंट वो हैव गिवन CUET एंट्रेंस एग्जाम BA BSc बट ड्यू टू सम इश्यू फेल टू गिव CUET एग्जाम। तो जो भी है अगर आपने सही ठीक से डोमेन वगैरह दिया नहीं, आपने अगर सिर्फ CUET का एग्ज़ाम दिया तो आपको 26 तारीख तक जो है आप BSc BA BEd वगैरह जो भी यहाँ पे दिया गया कोर्सेज उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे जो एडमिशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके, बिकॉज बहुत ही कम अप्लीकेंट्स इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो यार एक नया मौका है, सुनहरा मौका है जिन भी स्टूडेंट को जस्ट लाइक 12th में मैथमेटिक्स था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, और अगर वो चाहते हैं BSc जैसे कोर्स में एडमिशन लेना तो यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी वालों ने इसको एक अच्छा डिसीजन लिया है कि जिन भी बच्चों का डोमेन ठीक नहीं था, CUET एग्ज़ाम दे नहीं पाए, या सॉरी फॉर जस्ट लाइक डोमेन गलत चूज कर लिए, उन्होंने गलत डोमेन दे दिए, तो उनको जो है एडमिशन का एक मौका दिया जा रहा है। तो आप जो है यहाँ पे जाके
अप्लाई कर सकते हो गाइस, लेकिन हाँ फर्स्ट ये है कि आपका दिया होना चाहिए CUET एग्ज़ाम, राइट, CUET में अपीयर होना कंपलसरी है। इस प्रकार से यार ये सारा सीन है। एंड ऑलमोस्ट दीपावली का फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, फोर्थ मेरिट लिस्ट भी टेक की आ चुकी है, बहुत सारी मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट BSc की आ चुकी है, लेटरल इंट्री की फिफ्थ मेरिट लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारी कोर्सेज के अंदर जो है ऑलमोस्ट सीटें कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप लोगों को कॉलेजों पर ध्यान देना है कि भैया जिस भी गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में मिले वहाँ पे आपको अपनी सीट बुक कर लेनी चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी का जो है 27 तक ऑफिशियली जो है छुट्टी है, तो आप इन सब बातों का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। थैंक यू सो मच।